हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली व्लॉग में। सुबह के 8:30 बज रहे हैं। आधार कार्ड और वोटिंग कार्ड दोनों ले लिए हैं, जा रहे हैं वोट डालने के लिए। 10 तारीख है आज, 10 तारीख का इलेक्शन है हमारे यहाँ गाजियाबाद में। सुबह सुबह जल्दी ही डाल के आ जाएंगे जिससे कि भीड़ नहीं लगेगी। और मैं और गीता दोनों जा रहे हैं इस टाइम पे ई शुरू करेगी बच्चों के पास, क्योंकि यही रहेगा ना फिर वहाँ कैसे बच्चों को बाद में कुछ इशू का ना। वोटिंग कार्ड तो आ गया है लेकिन लिस्ट में यहाँ पे जो हमने चेक किया उसमें नाम नहीं आया है। देखते हैं वहाँ जाकर के, अगर इसकी वोट आई होगी तो बाद में डाल देगी। कई बार ऐसा हो जाता है, वोटिंग कार्ड तो होता है लेकिन लिस्ट में नाम यानी कि पीछे से वोट नहीं आई हुई होती है, तो पहले वहाँ चेक करेंगे। अगर इसकी आई होगी तो बाद में डाल देगी, लेकिन इस टाइम पे जा करके मैं और गीता डाल के आ जाएंगे। सुबह सुबह में खाली चाय पिए, चाय पी के बच्चे सो रहे हैं, मगर इस टाइम पे वोटिंग कार्ड लेकर के। और ये आ जाएगी था, आ रहा है कॉल उधर, भाभी और ये लोग भी जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आज वोट डालने। और वोट किसको डाल के आ रहा है ये तो हम सीक्रेट रखेंगे, बाकी सबको पता है एक ही मेंबर है, उसी को वोट जानी है। तो चलिए चलते हैं वोट डालने के लिए। यहाँ पे गए थे हमें और भाभी रिलायंस, जो कि किचन का सामान कुछ था ख़त्म हो रहा था मतलब उसको लेने के लिए। और यहाँ पे कुछ क्रॉप ये है ना, टोकरी वगैरह हैं जो वही सब देख रहे थे कि किचन में कुछ ज़रूरत रहती है कुछ ना कुछ सामान के लिए, तो कुछ ऑफर वगैरह चल रहा है क्या? तो भाभी ने और मैंने, लेकिन कुछ उस हिसाब से पसंद नहीं आई तो वो टोकरी वगैरह हम लोग नहीं लेकर के आए। यहाँ देखो रिलायंस से लेकर के एन्यू में घर का राशन, इसमें है मतलब मखान ये पूरा एक पैकेट, उसके बाद उस वहाँ पे ना चीनी का वो चल रहा था तो ऑफर रहता है ना कि कुछ 2000 के शॉपिंग, तो चीनी नहीं इस बार उन्होंने, पॉन्स का जो ये फेस वॉश है, हाँ फेस वॉश ही है इसका मतलब, वो किया हुआ है ऑफर में। और छोटे पैकेट थे नहीं चीन वो है इसमें क्या बोलते हैं चावल, 1 kg की पॉलोथीन थी बड़ी ख़त्म हो गई तो 4-5 में लेनी पड़ी हैं ये, तो चीनी लेके आई हूँ। ड्राई फ्रूट में ये लेके आई हूँ, काजू टुकड़ा लेके आई हूँ क्योंकि कुछ बनाऊँगी तो वो मुझे काटना कट करना पड़ता मतलब, तो इसलिए अच्छा है कि टुकड़ा लेने में ही फ़ायदा है। और बादाम लेके आई हूँ, ये छोटी वाली सेल लेकर के आई हूँ जिससे कि घड़ी वगैरह में ख़त्म ही होती रहती हैं। और ये मूँगफली दाना पोहा वगैरह बनाने के लिए और भी कुछ भी। उसके बाद मैं रिफाइंड लेके आई हूँ, ये स्वीकार वाला है, 2 पैकेट हैं कभी कुछ भी बनाने के लिए, ये 2 पैकेट लेके आई हूँ। और इसमें है अब चीनी बैग में, मतलब ये पैकेट देख रहे हैं ना आप, इसमें चीनी और चावल। और एक लेके आई हूँ मैं ये नींबू का, वो नींबू निचोड़ने वाला होता है ना स्टील वाला, एक ये लेके आई हूँ। ये आया पड़ा है मुझे वहाँ से, देखो कितने का पड़ा है, इधर ऐसे सीधा करके देखूँगी, 99 में, ये रहा 199, ये देखिए 199 का है ये। और एक सूजी लेके आई हूँ, ये रहा सूजी का एक पैकेट। ये सारा सामान मैं लेके आई हूँ, चलिए अब मैं इसको लगा देती हूँ इसकी जगह पर। और यहाँ पे मैंने ये सारा राशन का सामान यहाँ लगा दिया है इसमें ऊपर अलमारी में जहाँ पे इसकी जगह है, क्योंकि जो पैकेट वगैरह रहते हैं ना उनको ऐसे ही लगा देती हूँ। और जो डब्बे वगैरह मेरे दाल वगैरह के हैं अभी उसमें छोले राजमा भी कुछ रखे हुए हैं, चीनी ये सब जैसे जैसे खाली हो जाएंगे तो पैकेट से फिर मैं डब्बों में भर दूंगी। जो एक्स्ट्रा है सबको मैं यहाँ पे एक खाना मैंने ये बनाया हुआ है जिसमें मैं ये सारे पैकेट इस हिसाब से ही लगा दूंगी, ज़रूरत पड़ने पर ही इनको यहाँ से बाहर निकाल के डब्बों में भरूंगी, तो क्योंकि नीचे मसाले वगैरह रहते हैं। और फिर इतने बड़े बड़े डब्बे भी नहीं हैं कि एक साथ में सारा सामान भर भर के रख दो, फिर वो अलमारियों में आने भी वाले नहीं हैं,
तो यहाँ हो गया मेरा काम। हेलो एवरीवन, मुझे पहले ऐसी आ गई, यहाँ टीका देखो, कान का देखो, ये कान का देखो, गले का देखो, आज सोच रहे होंगे मैं क्या बन गई हूँ। एक्चुअली ये गीता ने, तू कौन सा ले रही है, क्या हो गया, गीता ने अपने मंगाया था तो वही बोल रही थी, बच्चों को जाके दुकान पे बदल के लिया, बिल्कुल कोई से वो वापस नहीं लेता। ये देखो, ये आप लोग भी सोच रहे थे ना बच्चों को नहीं बुलाते, अब ये देखो मेरी वीडियो, ये पिंकू के काम देखो, गन्नू के देखो, ये देखना, और ये क्रीम, ये लोशन लगा के कैसा बैठा है, इसका मतलब ये नहीं है कि घिसलो इसे। तो यहाँ गीता वही बोल रही पहन के देखो, तो गीता हंस रही थी कि ये मतलब पहन के देखो। अब ये कह रही है आज ना भाभी का बर्थडे है 10 फरवरी का, और आज ही हमें शाम को शादी में भी जाना है मेरठ, तो भाभी ने दोपहर को पार्टी दी है इस वजह से कि शाम को तो मेरठ जाना ही है। तो गीता बोल रही है आप ना भाभी के बर्थडे में ऐसे ही चलो, यही पहने के मुझे ऐसी आ रही, मैं कुछ ज्यादा ही ना हो गया, चिकी चिकी बंद करोगे, मतलब मैं कभी भी वीडियो बनाने कोई से कमरे में चली जाऊँ, तुम लोग शांति से बनाने नहीं देते हो। यहाँ देखो गीता और ईशु, ये गीता बैठी है, ईशु कर रही है उसकी तैयारी, जो शाम को जाएंगे ना शादी में हम उसके, तो चलिए ये हटा देते हैं, सूट के ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है, और वैसे भी इतने भारी भारी कान के थोड़े से हैवी ज़्यादा हैं, और ये गले का देखती हूँ क्या कौन सा पहनूंगी मैं, और ये वाला, ये वाले ईशु लेकर के आई, और एक ये झुमके, ये वाले इसकी झुमकी थी ना वो मेरे से तोड़ दी, ये कह रही मैं बोलो मैंने तोड़ दी, मैंने नहीं तोड़ी, वो टूट गई गलती से, ऐसे मैंने पहनी थी, मैं हाथ ऊपर को कर रही थी ना, कंगन फंस गया और वो निकल गई, तो उसके बदले ये लाई है, देखो मैंने झुमकी, ये मेरे कान का इतना बड़ा है, देखो झुमकी भी हो गई है। पिंकू देखो चेयर लेकर के, ये देखो भाई इसके सारा दिन इसकी चेयर, कभी कुछ इसका यही रहता है, सारा दिन हमारे खोपड़ा फोड़ता रहता है। ये कहाँ मिल गए थे, ये तू नहीं लिया है, और कल मैं भी ला रही थी उसमें रिलायंस में से, बस दुकान खुली थी हे भगवान, तब तू क्यों लेकर गई थी, क्योंकि मिल नहीं देखो वो तारी कमल गए। चलो तैयार होते हैं हम फटाफट, पहले तो अभी भाभी के बर्थडे के लिए तैयार होंगे, सविता भाभी का जन्मदिन है, आप सब लोग विश कर दीजिएगा, मैं बाहर चलती हूँ, ये लोग ना यहाँ मुझे बिल्कुल भी आप लोगों से बातें नहीं करने देंगे उधर, क्योंकि ये ना चिकन मकेर, उधर भाई का भी फोन आ गया है, क्योंकि आज ना बोट भी पड़ी है, तो उसको लग रहा है किसकी बोट डाल करके आए हो, तो आप लोगों ने किस किस की बोट डाली है आप लोग मुझे बताइएगा, तभी मैं बताऊंगी, नहीं तो तब तक मैं भी नहीं बता रही हूँ। और देखा मेरा कैसा लग रहा था मेकअप वाला लुक, ऐसे हल्का सा लोशन लगा के, और ये पहन लिए हैं अभी, जो कि निकाल देती हूँ इनको मैं, उसके बाद प्रॉपर तैयार होंगे मेरठ जाने के लिए शादी में, आज जाना है शादी में 10 फरवरी को, और 2 दिन बीच में बचे हैं, उसके बाद आरती की शादी के सारे फंक्शन शुरू हो जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी मिलने वाली है, और देखते हैं आज भाभी ने क्या बर्थडे पार्टी में किया, क्योंकि शाम को ना भाभी को भैया को भी जाना है शादी में साथ में, तो फिर यही हो रहा था कि शाम को, और एक गड़बड़ और हो गई है आज, पता है इलेक्शन है, इलेक्शन की वजह से यहाँ पे सारा मार्केट सब बंद है, कल इस बात का हमें ध्यान ही नहीं था कि मार्केट भी बंद हो जाएगा, और केक मंगाया नहीं गया भाभी का, अभी फिलहाल में सारी दुकानें बंद हैं, तो देखते हैं अगर कोई दुकान खुली होगी तो केक मंगाएंगे, नहीं तो आज भाभी का केक मिसिंग रहेगा, केक शायद नहीं कट पाएगा, क्योंकि कोई भी शॉप खुली नहीं है यहाँ पे, और जिस शॉप पे मतलब ये मिलता है, देखो मैंने बात करते करते ही ये निकाल दिया, जिस शॉप पे केक मिलता है जस्ट उसी के ही सामने स्कूल है जहाँ पे बोट पड़ रही है, तो वहाँ पे तो खुलने का और भी ऑप्शन नहीं है। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे भाभी के घर जाके। हेलो एवरीवन, तो देखो हम पहुँच गए भाभी के घर, आज है भाभी का बर्थडे, हैप्पी वाला बर्थडे, तो भाभी लगी हुई है यहाँ खाना बनाने में, और ये वाला ब्लैक वाला सूट पहन के, और गले में भी वो चेन पहन के, और यहाँ बना रही है भाभी बूंदी का रायता और छोले भटूरे। तो यहाँ कड़ा है तेल, जो कि कुछ देर में इसमें भटूरे कूद कूद के फूलेंगे, और रायता दिखाती हूँ, हीरा रायता, ये बना दिया भाभी ने बूंदी का रायता, अच्छा लग रहा है, खुशबू भी बढ़िया आ रही है, मगर बिरयानी की ना खुशबू तो बस ऐसे हम ही सूंघ सकते हैं, है? नहीं यही सही रहेगा, हो जाएगा, और ठंडा हो रहा है सुबह से ही, वो दही कुछ उसमें जमा कर देती ना, फिर ज्यादा गर्म रहता,
हाँ थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दो, थोड़ी सी डालिया। और गीता तो अपने सामने खूब झोंकेगी, इसे तो बहुत पसंद है। और वहां पे बैठे हैं भैया गीता और गन्नू पिंकू और ईसू गई है। ये देखो हाय बाय कर रहे हैं सब। हाँ गीता ये रही। और भैया भी सज के तैयार हो गए जैसे इन्हीं का बर्थडे हो। हाँ ईशू आ गई, देखो कि ईशू गई थी, मिला मिल गया। हाँ ईशू गई थी केक लेने के लिए, है केक लेने के लिए, क्योंकि आज इलेक्शन है ना तो दुकान का पता नहीं था। ये आ गई, इसका मतलब ईशू ढूंढी लाई केक, ये ले आई केक। ईशू बहुत मेहनत करके केक लेके आई है, ढूंढ के अभी हम दिखाएंगे कैसा केक मिला है। अब जैसा भी मिला होगा उसी से काम चलाना मिलेगा। चाहे चॉकलेट वाला मिला हो चाहे बिना चॉकलेट वाला। और मैं नेल पॉलिश भी लगा ली है, अभी शादी में जाएंगे ना।